क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले ये भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो आज निकला हूँ एक नई राह में, नई सफर की तरफ और पहाड़ों की तरफ। आज काफ़ी लोग हैं साथ में, है ना, पीछे की तरफ। आज थोड़ी पहाड़ों में ट्रैवल किया जा रहा है और आज आपको इस जगह से काफ़ी सुंदर सुंदर वादियाँ दिखाई जाएंगी। बाकी जंगल काफ़ी खूबसूरत, तूफान इससे पहले हुआ था इस जगह पर और बारिश भी थी, तो आपको जगह जगह पर पेड़ पौधे टूटे हुए भी देखने को मिलेंगे और सड़क भी काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलने वाली है। तो आज साथ में आया मेरा छोटा भाई जो आज गाड़ी चला रहा है और हम आज एक पैसेंजर की तरह बैठने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आज जो भी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। तो गाइज निकल पड़े हैं सफ़र की ओर और रास्ता काफ़ी एकदम सुहाना, एकदम मंजर ऐसा है ना, ये आँखों को भा जाने वाला है। और होने को तो ये कोर एरिया है लेपर्ड का। इस जगह पर आगे की तरफ हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और चांस हो सकते हैं इस तरफ भी टाइगर भी देखने को मिल सकता है। बाकी थोड़ी एनिमल्स की साइटिंग इस जगह पे कम ही देखने को मिलती है, मगर जो नज़ारा है ना गाइस, वो एकदम मन को लुभा देने वाला है। देख रहे हैं क्या मस्त एकदम पहाड़ों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ है खाई और बीच में ये रास्ता, बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी। और उम्मीद है कि ज़रूर आपको भी आज इस कंटेंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। इस जगह का जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा मोस्टली, बाकी वाइल्ड लाइफ को शायद ही देखने को मिल पाए। वाइल्ड लाइफ का कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलने वाली है, ज़्यादा मुझे लगता है। जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ का खूबसूरत ये नज़ारा। बाकी गाड़ियाँ जितनी भी मैं देख पा रहा हूँ, मोस्टली इस जगह पे HR नंबर और DL नंबर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बाहर से, दिल्ली से, हरियाणा से काफ़ी लोग आ रहे हैं और इस जगह का लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि अभी शहरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरफ हरे भरे पेड़। और ये देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, पेड़ आधी तूफान से टूटे हुए हैं, पीछे की तरफ पेड़ टूटा हुआ सड़क पे गिरा हुआ है। और ऐसे कई जगह पे हमें ऐसे पेड़ दिखने को मिलेंगे जो टूट कर गिरे हुए हैं सड़क पर। और बाकी जैसा कि मैं कह रहा था कि इस जगह का ये नज़ारा, हरी भरी वादियों के बीच में सुंदर सी ये सड़क और इस पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक, मोस्टली HR और DL नंबर। बाकी अपनी लोकल व्हीकल भी है इस जगह पर, मगर HR और DL नंबर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बाकी आप चेक कर ही पा रहे होंगे क्या मस्त एकदम वादियाँ हैं, मज़ा ही आ रहा है गाइस काफ़ी ज़्यादा। अभी हम फिलहाल मरचूला के काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ से जो रामगंगा रिवर का थोड़ी व्यू देखने को मिल जा रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिख पाया तो। सामने की तरफ अभी पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा
बाकी साथ में अभी आगे जो गाड़ी जा रही है वो भी अपने साथ का ही है बंदा, और अभी और भी काफ़ी सारे लोग साथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी सारे लोग बाइक से ही चल रहे हैं और इस जगह का लुत्फ ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये देखने को जो मिल रहा है अभी। इस जगह पर आना मतलब ऐसा है कि काफ़ी टाइम टाइम बाद इस जगह पे आना हो पाता है, नहीं तो मन तो ये कर रहा है कि इस जगह पे आए दिन आया जाए। थोड़ी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है ये, तो इसीलिए यहाँ आ पाना थोड़ी कठिन हो पाता है। बाकी जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो रखें और दुर्घटना से होने से बचें, ऐसा ना हो कि किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं आप। बाकी बैक साइड में अपने भाई लोग ये भी आ चुके हैं, अभी देख रहे हैं किस तरह से एकदम इंजॉय करते हुए आ रहे और लुत्फ ले रहे हैं अभी इस मौसम का। बाकी इस जगह पे जो अभी टेम्परेचर है ना गाइस, वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, किसी तरह की कोई गर्मी नहीं हो रही है। और आप देख ही सकते होंगे इन लोगों की फेस पे जो स्माइल है और इस नज़ारे को जो इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी और भी काफ़ी सारे लोग हैं साथ में, काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको किस तरह की ये जगह लग रही है और कैसा ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहेंगे आप, ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाय द वे चीज़ें तो इतनी सुहानी है कि बस मन कर रहा है चलते जाओ और वादियों में जितनी दूर चल सको चलो और इस समय का पूरा लुत्फ उठाया जाए। बाकी वेदर आप चेक कर सकते हैं, आसमान भी खुला है और नज़ारा तो फिर एक अलग ही लेवल। देख रहे हैं ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ ना, DL और HR नंबर इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। ये देखिए मैं कह रहा था ना, मरचूला का जो रामगंगा साइट है तो कुछ इस तरह से रामगंगा रिवर सामने नीचे पहाड़ी के जस्ट नीचे बह रही है और ये जगह है मरचूला की। तो आगे जाकर आपको अभी दिखाऊंगा मैं मरचूला पे रुक करके वहाँ का सुंदर सा नज़ारा, और अभी तो फिलहाल हम लोग कंटिन्यू आगे चल ही रहे हैं गाइस। बस थोड़ी इस जगह पे एक दिक्कत है कि सड़क काफ़ी पतली है, थोड़ी पासिंग के टाइम में थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी खतरा है। बाकी इस जगह पर आप चेक कर सकते हैं, कुछ लिप्टिस के पेड़ भी ये नज़र आ रहे हैं, और कहीं पे लिप्टिस के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं इस जगह पर। मरचूला से पहले पहले ये लिप्टिस के पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं। सामने से ये देखिए सुंदर सी पहाड़ियाँ, और यहाँ से आई थिंक देखने को मिल जाएगा रिवर का पूरा साइड। ये देखिए इधर नीचे है रिवर, अभी क्लियर दिख नहीं पा रही थोड़ी इस जगह से ना, आपको दिखाऊंगा जरूर मैं आगे चलकर। ये लिप्टिस का पेड़ देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना इस जगह पे लिप्टिस के पेड़ भी हैं। बाकी आपको लिप्टिस के पेड़ सुंदर खाल में भी नहीं देखने को मिलेंगे, आगे पहाड़ों की तरफ भी नहीं देखने को मिलेंगे, बट इस जगह पे मरचूला से पहले पहले इस जगह पे थोड़ी लिप्टिस के पेड़ भी थे। और ये जो बैंड है ये तो एकदम हेयर पिन बैंड है, बहुत ही डेंजर बैंड। और अपनी गाड़ियाँ आराम आराम से सारे लड़के चला रहे हैं, चल रहे हैं कंटिन्यू आगे। देखिए किस तरह से पहाड़ियों से कटा हुआ एकदम रास्ता बना हुआ है पहाड़ियों को काट करके, और ये देखिए फिर से पेड़ों की टहनियाँ सड़क पे गिरी हुई हैं। ये अभी ना कल रात जो था हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, ये देखिए फिर से इस जगह पे पेड़ टूटा हुआ है, और तूफान भी था साथ में, तो तूफान ने काफ़ी सारे पेड़ तोड़े हुए हैं जो सड़क के किनारे देखने को मिल रहे हैं। ये वही पेड़ देखने को मिल रहे हैं जो सड़क के पास में, बाकी अदरवाइज़ फॉरेस्ट में कितने पेड़ टूटे हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं।
बाकी वेदर खूबसूरत नज़ारे के साथ। देखिए सामने ये दिखाई दे रही है रामगंगा रिवर के एकदम जस्ट लगी हुई ये पहाड़ी, बहुत ही हाइट वाली पहाड़ी है। और सामने अभी कुछ ही दूरी पर है हमारे क्रोकोडाइल पॉइंट, है ना। क्रोकोडाइल पॉइंट आपको दिखाऊंगा तो नहीं इस जगह पर रुक करके, बट हाँ सामने ये कुछ पानी है रामगंगा रिवर का। और सामने अभी हमारे कुछ ही दूरी पर है क्रोकोडाइल पॉइंट। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी क्रोकोडाइल पॉइंट के पास में, क्रोकोडाइल धूप सेकता हुआ नज़र आ रहा था और जो गांव के लोग थे उन लोगों की बकरियां उस रिवर किनारे चली गई थी और क्रोकोडाइल के इतने क्लोज चले गए कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया, पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ उसका कि क्रोकोडाइल सामने है। बट फाइनली जो चीज़ें हुई क्रोकोडाइल की, एकदम क्रोकोडाइल ने जो बकरी उसके पास में आई उसे पकड़ा और उस पर अटैक कर दिया। सामने काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं अभी इस जगह पर क्रोकोडाइल को देखने के लिए, बट शायद अभी वो अभी निकल कर नहीं आया है। और फाइनली अभी हम लोग हैं मरचूला की जो छोटी सी मार्केट है उस जगह पर, और एकमात्र ये रास्ता है जो हमें कनेक्ट करता है आगे की तरफ। ये ब्रिज जो बना हुआ है काफ़ी पुराना ब्रिज है, एकमात्र यही ब्रिज है जो हमें एक छोर से दूसरी छोर को कनेक्टेड करवा देता है या कंटिन्यू कह सकते हैं आप इस रास्ते को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये मार्केट में हम आ चुके हैं और ये जगह है मरचूला। आपको दिखाता हूँ अभी इस जगह से रिवर साइड का व्यू। तो फाइनली गाइज अभी जिस जगह पे मैं हूँ इस जगह का नाम है मरचूला, और इस जगह से एक रास्ता चला जाता है गढ़वाल की तरफ और एक रास्ता जाता है कुमाऊँ को टच करते हुए। और फाइनली जो अभी हम लोग हैं जिस रास्ते पे, ये रास्ता गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों का है। और मरचूला से अभी जो नज़ारा बन रहा है इसको काफ़ी खूबसूरत, थोड़ी यहाँ पे जनसेट है तो उसकी आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। बाकी आप चेक कर सकते हैं मेरे पीछे की ये हसीन वादियाँ और साइड में बहती हुई ये नदी, देख रहे हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। बड़ी अच्छी लोकेशन आ रही है देखने में, काफ़ी सुंदर। और आपको जो अभी तक दृश्य देखने को मिला है जगह जगह से रास्ते, वो तो देखकर आपको लग ही रहा होगा कि कितनी अच्छी जगह पे आज हूँ। और मौसम दे रहा है काफ़ी ज़्यादा साथ, मौसम का साथ अगर मिल रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो रहा है ना। अभी नहीं तो जिस तरह का टेम्परेचर था, मिनिमम जो टेम्परेचर रह रहा था 37, तो ये मान लीजिए आपकी पर डे इतना टेम्परेचर था ही। और कल की डेट में जो टेम्परेचर मैंने नोट किया था, कल की डेट में 1:30 से 2:30 बजे के बीच में जो टेम्परेचर था वो था 41 डिग्री सेल्सियस का, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाली जगह थी वो, है ना। तो ऐसी चीज़ें थी। बाकी आज मौसम काफ़ी ज़्यादा साथ दे रहा है, अच्छी हवाएं चल रही है और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सारे लोग इस जगह पे अभी फ़ोटो क्लिक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, और चलो चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ और देखते हैं और खूबसूरत वादियाँ और अच्छी जगहें। तो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे, साथ ही अगर चैनल पर आप हैं नए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें।